हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं ताजे हरे मटर का निमोना बनाने जा रही हूँ। सर्दियों के मौसम में खास करके इसे बनाया जाता है, तो आइए रेसिपी फिर स्टार्ट करते हैं। निमोना बनाने के लिए एक कटोरी उबले हुए मटर, दो कटोरी हरे मटर को दरदरा पीस लिया है मैंने, ये थोड़े से गाजर और हरी मिर्ची है, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, एक बड़े साइज़ का टमाटर को मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, और ये उबले हुए आलू, और ये धनिया पत्ती जिसे मैंने अच्छी तरह बारीक काट लिया है। अब मैं गैस को ऑन कर ले रही हूँ और एक कढ़ाई मैं इसे गर्म करूँगी। कढ़ाई गर्म हो चुका है और दो टेबलस्पून मैं मस्टर्ड ऑयल इसमें ऐड कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम पर मैं ऑयल को गर्म कर लूँगी। तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैं आधा चम्मच मेथी दाना ऐड कर रही हूँ, और मेथी दाना ऐड करने के बाद अब ये लाल हो चुका है। अब इसमें मैं थोड़े से दो पिंच हींग ऐड कर रही हूँ और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। मेथी गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें दो तेज पत्ते ऐड कर रही हूँ और थोड़े से इसे भी भून लूँगी। अब बारीक कटा हुआ प्याज है, उसे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, एक बड़े साइज़ का प्याज है, इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। और ये गोल्डन ब्राउन करीब करीब हो चुका है, अब इसमें एक कटोरी से थोड़ा कम टमाटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसे भूनूंगी। बहुत ज़्यादा इसे लाल नहीं करना है, करीब आधा फ्राई होने के बाद अब इसमें दरदरा पीसा हुआ जो हरा मटर था उसे भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब दोनों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। मसाले जब तक भून रहे हैं, इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर ले रही हूँ और ये लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, और इसे अब मिक्स कर अच्छी तरह भूनना है। अब इसमें आधा चम्मच गोल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ और आधा चम्मच जीरा पाउडर भी ऐड कर रही हूँ, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। थोड़ी सी मैं पानी इसमें ऐड करूँगी ताकि मसाले जल ना जाए, इसीलिए बीच बीच में पानी ऐड करना है। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया है और इसे मिक्स करते हुए भूनना है। मसाले भून चुके हैं, अब इसमें उबले हुए आलू जो मैंने रखे थे एक कटोरा, वो भी ऐड कर ले रही हूँ और इसे अच्छी तरह मसालों के साथ मिक्स कर लेना है। ये सब्ज़ी सर्दियों में खाने में बहुत अच्छा लगता है और इसे चावल के साथ या फिर बाजरे के चावल के साथ या रोटी या पराठा किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। ये हरे मटर जो मैंने रखे हुए थे एक बॉल, वो भी मैं इसमें मिक्स कर ले रही हूँ, और अब जो गाजर और ये हरी मिर्च मैंने रखा था थोड़े से, वो भी मैं इसे ऐड कर रही हूँ। गाजर इसे भी मैंने थोड़ा सा हल्का सा बॉयल करके रखा हुआ था। तो इन सारे सब्ज़ियों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर ले रही हूँ। फ्लेम हाई नहीं रखना है, फ्लेम मीडियम ही रहेगा, और अब इसमें मैं स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ और फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ी सी मैं पानी फिर डाल रही हूँ, पानी डालने से मसाले जलेंगे भी नहीं और अच्छी तरह ये मिक्स हो सकेगा। और ये मसाले भुन चुके हैं, अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी।
मैं इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर रही हूँ, आप पानी अपने अनुसार रख सकते हैं, पानी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब स्लाइस में कटे हुए टमाटर और बारीक कटी हुई जो धनिया की पत्ती मैंने रखा था उसे भी मैं ऐड कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है सब्ज़ी का। और अब इसे मैं एक लीड से बंद कर दे रही हूँ और बस 10 मिनट पकेंगे क्योंकि सब कुछ उबला हुआ है और इसे टाइम बिल्कुल ही नहीं लगेगा। और अब देखिए मैं लीड हटाकर देख रही हूँ, सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें मैं थोड़े से तो ग्रेवी रखूँगी क्योंकि आप इसे चाहे तो चावल के साथ खा सकते हैं, पराठों के साथ खा सकते हैं, और ये बाजरे के चावल के साथ उत्तर प्रदेश में खाए जाते हैं, काफ़ी स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो एक बार मेरे तरीके से आप निमोना बनाकर ज़रूर देखें। और ये सर्दी का मौसम है, हरे मटर चारों तरफ मिल रहे हैं, तो एक बार आप मटर मंगवाकर हरे मटर की निमोना बनाइए और इसे अरवा चावल, बाजरे के चावल अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो, और नहीं तो इसे नान या रोटी पराठा किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। और भी ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।